बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को वीडियो में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो की टॉपिक VZ-58 या शिकल अशन कोप के ऊपर हमारी वीडियो है। व्यूवर्स, इसकी स्पेसिफिकेशन और कीमत वगैरह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कम उम्र और ना समझ लोग इन चीज़ों का शौक़ ना रखे, हवाई फेयर से इज्तनाब करें, एक मंसूर है। फ्रेंड्स, ये जो आप राइफ़ल देख रहे हैं, इसको VZ-58 यानी VZ-58 चिक्सल वाकिया की असोल्ट राइफ़ल है। 7.62x39 यानी कलाशनकोव की बोर में। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि रशिया के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने जो है ना कलाशनकोव डिज़ाइन की, बशमूल चिक्सल वाकिया। तो ये चिक्सल वाकिया ने तकरीबन 1950 में जो है ना इसको डिज़ाइन किया। असोल्ट राइफ़ल है, अजीब व गरीब राइफ़ल है। व्यूवर्स, इसके मैगजीन से स्टार्ट करते हैं या इसके मैगजीन पे आते हैं, ये आप देख ले। व्यूवर्स, इसका मैगजीन भी एक अलग टाइप्स के मैगजीन है, ये आप देख ले। ये AK-47 की तरह इसका मैगजीन नहीं है, इसका मैगजीन स्टाइल भी अलग है। व्यूवर्स, अभी इसकी ग्रेप पे आते हैं, ये आप देख ले। व्यूवर्स, ये भी हार्ड प्लास्टिक या पॉलीमर से डिज़ाइन हुआ है और इसकी शेप वगैरह आप देख ले। व्यूवर्स, ये बहुत अजीब शेप में है और बहुत पुरानी राइफ़ल है व्यूवर्स, लेकिन ये इतना पायदार नहीं है ना इतना एक्यूरेट राइफ़ल है। VZ-58 या शिकल अशन कोप की आप देख ले, यहाँ भी शीली का है और 58 वगैरह थोड़ा अच्छी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह बहुत पुराना राइफ़ल है और इसके ऊपर ये सील वगैरह भी आप देख सकते हैं। व्यूवर्स, इसमें बट स्टॉक वाली भी होती है, जिसकी जो है ना बट में भी आती है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, बट वाले बहुत कम आती है। और ये आप देख लीजिए, इसका साइट फोल्डिंग है व्यूवर्स, ये आप देख ले। और ये इसका फायर लीफ है व्यूवर्स, यहाँ से आप लॉक सीमी और फुल ऑटो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये इसका चार्जिंग हैंडल है, ये आप देख ले, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये आप देख ले। और बहुत ज़बरदस्त राइफ़ल थी उस ज़माने में, आजकल तो इसका यूज़ बहुत कम है, क्योंकि इससे बहुत हाई राइफ़ल आई है, जैसा कि M4 है, रशियन AK-47 है, चाइनीज़ है और मुख्तलिफ मशहूर मॉडल है। व्यूवर्स, अभी इसकी रेंज पे आते हैं, ये आप देख ले। इसकी साइड पे जो है ना 800 मीटर तक इसकी मार है, ये आप देख ले। और ये इसका ग्रिप आप देख ले व्यूवर्स, ये फोर्ड ग्रिप वही AK-47 की तरह इसका फोर्ड ग्रिप है। और ये इसका गैस ट्यूब या गैस चेम्बर है व्यूवर्स, ये भी AK-47 की तरह है। इसकी बैरल पे आते हैं व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त बैरल है, AK-47 की तरह क्रोम लाइन बैरल है, इसके अंदर क्रोम फुल क्रोम होता है। और इसकी साइड पे आते हैं, AK-47 की तरह एडजस्टेबल साइड है। और ये आप देख ले व्यूवर्स, इसमें AK-47 की तरह मुख्तलिफ मॉडल नहीं होते, जिसमें डबल तांबा या डबल बॉडी या सिंगल बॉडी या AKM या Type 2 या Type 3 वगैरह, इसमें इस तरह से ख़ास मॉडल नहीं है। ये आप देख लें, इसकी ऊपर वाली जो फिनिशिंग है या इसका इंटरनल व्यूअर्स, इसके अंदर दो रिकॉयल स्प्रिंग होते हैं। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि यह ज़्यादातर रिकॉयल स्प्रिंग जो है ना इसकी टूट हो जाती है दौरान फायर, और दौरान फायर में जो है ना व्यूअर्स, ये बहुत नाकाबिल यकीन राइफ़ल है। व्यूवर्स, उस ज़माने में तो इतनी जदीद राइफ़ल नहीं थी, तो इसलिए इसकी जो है ना उस ज़माने में ये बहुत मशहूर थी, लेकिन आजकल इसकी जो यूज़ है वो बहुत कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है, लेकिन कई लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं अपने होम डिफेंस के लिए। और व्यूवर्स, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ प्राइस होती है, अक्सर जो है ना प्राइस गन की या कलर या वगैरह कैसा है। तो अभी इसकी रेट ऑफ फायर पे आते हैं व्यूवर्स, है 800 राउंड जो है ना व्यूवर्स, ये पर मिनट जो है ना फुल ऑटो में फायर करता है। और इसकी मजर वेलोसिटी जो है ना 705 मीटर या 313 फीट पर सेकंड जो है ना व्यूवर्स इसकी स्पीड है। ये इसका डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन है, इसमें और टाइप्स की मैगजीन नहीं लगती AK-47 की तरह। और इसकी अगर वेट की बात की जाए व्यूवर्स, तो ये वेट इसका वेट भी व्यूवर्स हल्का है रशियन या चाइनीज़ AK-47 से व्यूवर्स। तो ये व्यूवर्स इसकी कुछ मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। शिकल अशन कोप या VZ-58, ये आप देख ले। स्पिन से आप जो है ना इसकी कोल जोड़ भी कर सकते हैं, इसकी या पिस्टन जो है ना स्पिन से आप रिमूव कर सकते हैं। और बहुत अजीब राइफ़ल है व्यूवर्स,
व्यूअर्स, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 1,30,000 से लेकर 2 लाख तक जो है ना इसकी प्राइस है। अच्छी राइफल की प्राइस ही आप देख लीजिए इसका, मैगजीन में रिलीज़ करता हूँ और मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ प्राइस होती है। उम्मीद है कि आज की ये शिकलाशनकोप या VZ-58 की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।